एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू ऑन यूट्यूब दिस चैनल, हेलो, माय नेम इज़ प्रतिया खर्रा। सो आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट इन दिस वीडियो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो ही आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर मुझसे कोई सजेस्ट करने के लिए भी कहता है कि हम लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम पेज को जो ग्रो करें, तो मैं उनको सबसे पहले यही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आप यूजुअली उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो एक्टिव हैं, जो रेगुलर रील शेयर कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं। तो आपको भी ये ट्राई करना है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम के लिए है रील्स, क्योंकि रील्स सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और अगर आपकी एक भी रील अगर एक्सप्लोर पेज पे चली जाती है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको एक रील ही आपको मतलब फॉलोअर ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ओके, सो अगर ऐसा है कि आप रेगुलर रील नहीं डाल सकते, रेगुलर पोस्ट नहीं डाल सकते, पर एक चीज़ है जो आपको हमेशा अपने पेज पे अपडेट रखनी है, वो है स्टोरी। आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई भी स्टोरी पुट नहीं करी है, क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिव अकाउंट में तभी आएगा जब आपके पेज पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपको लोग किसी चीज़ की वजह से आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए आपको स्टोरी तो हमेशा रखनी ही रखनी है अपने पेज। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइमिंग। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब आप पोस्ट करते हैं उसके जस्ट बाद वाला एक घंटा सबसे ज़्यादा मेन होता है। उसमें जितने भी व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स जो आते हैं, इंस्टाग्राम वही चीज़ चेक करती है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास में कुछ कमेंट आए तो आप देखते हैं कि मैं इनका रिप्लाई बाद में कर दूंगा या कर दूंगी, आपको वो नहीं करनी है। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको उसी टाइम पे उनका रिप्लाई करना है। अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको उसी टाइम पे उनका रिप्लाई। ओके, सो आप अपने फॉलोअर्स की टाइमिंग कहाँ चेक कर सकते हैं? आप इनसाइट्स में जाके अपने फॉलोअर्स की टाइमिंग चेक कर सकते हैं। जब आप इनसाइट्स में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जितने आपके फॉलोअर्स हैं, कौन कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन सी कंट्री से हैं, कौन सी सिटी से हैं, उनका जो एवरेज है कि कहाँ से ज़्यादा हैं, कहाँ से कम हैं, एज रेंज आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ कि हाँ, आपके फॉलोअर्स कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कितने बजे, और वो ये भी उसमें आ जाएगा कि संडे को कितने बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से पोस्ट करना है कि आपके फॉलोअर्स कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हैशटैग। आपको हैशटैग का यूज़ करना ही चाहिए। आई थिंक मैंने जैसे अपने हर पोस्ट में हैशटैग्स डाले हैं और उनसे मुझे काफ़ी अच्छी रीच भी मिली। ओके, सो आपने भी ये चीज़ ट्राई करी होगी कि आप कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करते हैं तो आप हैशटैग में जाके उस चीज़ को ढूंढते हैं, आपको कैसे पोस्ट, आपको आइडियाज़ वहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए आप हैशटैग पे जाके सर्च करते हैं। तो अगर आप अपनी पोस्ट में हैशटैग यूज़ करेंगे और फिर कोई अगर उस हैशटैग पे जाके सर्च कर रहा है कोई चीज़, तो आपकी पोस्ट हो सकता है वो देख के लाइक भी करे और आपको फॉलो भी करे। सो आई थिंक आपको हैशटैग यूज़ करनी ही करनी चाहिए। सो आप एक पोस्ट में 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये आपको डिवाइड करना है 10-10-10 में। आपको शुरुआत के जो 10 हैशटैग हैं वो आपको मोस्ट पॉपुलर वाले लेने हैं, और जो 10 मीडियम वाले हैं उनमें आपको जिनमें थोड़ी मीडियम पोस्ट हो वो वाले हैशटैग यूज़ करने हैं, और 10 हैशटैग आपको लो वाले यूज़ करने हैं जहाँ कम पोस्ट हो, ताकि आपके हर एक हैशटैग, हर टाइप के हैशटैग पे आपकी पोस्ट चली जाए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रमोशन। आप अपनी पोस्ट को प्रमोट भी करवा सकते हैं। रील्स का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप अपनी पोस्ट को ज़रूर प्रमोट करवा सकते हैं। तो उसमें पर 50-50 होता है कि आपको रीच मिल भी सकती हो और नहीं भी मिल सकती। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जिनके फीड पे आपकी पोस्ट जा रही वो आपको फॉलो ही करें, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको फॉलो कर भी सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में एक चीज़ कर सकते हैं कि आप हाई बजट पे ना जाके लो बजट ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर आपको रीच अच्छी मिलती है तो आप फिर से प्रमोट करवा सकते हैं एक हाई बजट के साथ में, तो क्या पता आपको उससे रीच मिल जाए, तो आप प्रमोशन भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पेशेंस। जो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस तो रखना ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आप रेगुलर पोस्ट भी कर रहे हैं, स्टोरी भी डाल रहे हैं और कोई भी वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप थोड़े दिन तो वो पोस्ट करेंगे, लेकिन फिर बाद में आपको ये होगा कि इसको जाने देते हैं, कौन करेगा, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप
पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए तो आप उसको कंटिन्यू, आई थिंक आपको ये, अगर आप पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए तो आपको शेयर करना पड़ेगा वीडियोस। थोड़े टाइम तक आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, ये मैंने भी चीज़ें स्टार्टिंग में फेस करी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद में ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं और आपके व्यूज़ भी आने लगेंगे, फॉलोअर्स भी होंगे और लाइक भी बढ़ जाएंगे अपने आप। तो आई डोंट थिंक सो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप किसी के फॉलोअर्स देख रहे हैं तो आपको अगर ये लगता है कि यार मेरे भी इतने फॉलोअर होने चाहिए तो आप भी उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप ऐसे में ये होता है कि आप थोड़े दिन तो पोस्ट करेंगे लेकिन आप धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको इतना टाइम क्यों ही वेस्ट करना उस चीज़। पेशेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी आई गेस 1.5 ईयर हो चुका है इंस्टाग्राम पे और तब जाके मुझे 10.3K 4K जो है, जो अब अटक गया है बिल्कुल, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पर मैं फिर भी अपना रील्स को कंटिन्यू करके रखा है। और बीच में हाँ, मैंने थोड़ा बीच में मैं अपना टाइम नहीं दे पाई थी एग्ज़ाम्स की वजह से, तो मेरी काफ़ी उस चीज़ से मेरे फॉलोअर्स गए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे अनफॉलो करा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैं फिर से एक्टिव होने लगी हूँ तो मेरे फॉलोअर्स वापस मुझे वैसे के वैसे मिलने लग गए हैं। सो या कंसिस्टेंसी, अगेन कंसिस्टेंसी तो आपको बना के रखनी है वरना फॉलोअर्स तो गए। ओके, सो इन द एंड आई वॉन्ट टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू पर्पल, जहाँ से मुझे लास्ट टाइम पिया पैकेज रिसीव हुआ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज पर्पल बी और ऑन BFF कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखे हुए और मैंने लास्ट टाइम इनकी रील भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, सो आपने आई थिंक वो चेक करी होगी, अगर आपने नहीं करी तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पर्पल मिनी लिक्विड लिपस्टिक। सो ये बहुत ज़्यादा, इसका शेड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है और इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है इसकी। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ चाइल्डहुड बेस्ट लिप बाम। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पर इसकी जो एक चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कूल पैकेजिंग है इसकी। आई गेस आपने भी फर्स्ट टाइम ऐसी पैकेजिंग देखी होगी और मैंने भी इसकी इस टाइप की पैकेजिंग फर्स्ट टाइम देखी है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ विंकलिंग टुगेदर काजल। सो मैंने इसको ट्राई करा, ये बहुत ज़्यादा स्मूद है और आप इसे कैसा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो द लास्ट थिंग वी हैव इज़ प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन। सो इसकी जो सॉफ्टनेस है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड करंटली आई एम वेयरिंग दिस शेड। सो द लास्ट थिंग इज़ कि मेरे पास एक क्वेश्चन और है कि हाउ टू कोलाबरेट विद ब्रांड्स। सो अगर मैं वो चीज़ इस वीडियो में ऐड करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि हाउ टू कोलाबरेट विद ब्रांड्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टफ है उस चीज़ पे बोलने के लिए। तो या मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बताऊँगी आपको। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू विल लाइक दिस। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और क्वेश्चन है, आपको और कोई क्वेरीज है, आपको पूछना है, तो आप मुझे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर मुझे DM कर सकते हैं। और आई थिंक ये ज़्यादा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।